Hey guys, good evening to all. तो कैसे हैं आप सब? तो मैं ना अभी डिनर का तैयारी करने के लिए जा रही हूँ. ऑलमोस्ट मेरी बेटी की पढ़ाई हो चुकी है और मैं थोड़ा मैथ्स उनका बाकी है तो वो करने के लिए दी हूँ. तो वो अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है, तब तक मैं अपना किचन में जाके सारा काम कर लेती हूँ. तो चलिए मेरे साथ, आप भी चलिए, आप भी देखिए, मैं भी तो आपके फ्रेंड्स हूँ. जो जो मैं करती हूँ, जो भी करती हूँ, जैसा भी मैं घर में रहती हूँ, जिस तरह से जो भी खाना बनाती हूँ या घर का काम करती हूँ, जो भी कोशिश करते कि आपके साथ शेयर करें हुआ बात. तो चलिए, तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल बैठा चुकी हूँ और जीरा फोरन भी दे दी हूँ और आलू और मटर को इसमें तेल में थोड़ा सा तल लूँगी और इधर राइस बैठा दिए हैं. तो अभी दो तेज़पत्ते और दो मीडियम साइज़ का इलायची इसमें ऐड कर रही हूँ. थोड़ा सा जीरा गुंडी भी ऐड कर रही हूँ और उसके बाद थोड़ा सा चला रही हूँ इसको. और गाइस, उसके बाद बहुत अच्छा से इसको चलाना पड़ेगा. और यहाँ पे मसाला मैं पीस के रखी हूँ, जहाँ पे दो मीडियम साइज़ का टमाटर, ग्रीन मिर्च और जीरा, हल्दी, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं. सारा मसाला यहाँ पे ग्रेवी में मिला दे रही हूँ. और यहाँ जो थोड़ा सा बच गया है मसाला, तो वो थोड़ा सा पानी देके ग्रेवी में मिला दिए हैं. और उसके बाद इसको अच्छा से चला रही हूँ. अभी मैं नमक ऐड कर रही हूँ, स्पार्कल का कैच, तो इसे अभी दे दूंगी सब्जी में. और मैं अदरक भी पेस्ट की थी, वो मैं बोलने भूल गई थी. तो सारा मसाला यहाँ पे डाल के पानी दे दी थोड़ा सा. और थोड़ा सा पानी देने के बाद और इधर वाला कढ़ाई में मैं पापड़ को भूज ले रही हूँ. तो ये आलू पापड़ का सब्ज़ी बहुत सिंपल से बना रही हूँ डिनर, क्योंकि सुबह में लंच में बहुत हाई हो गया था. खाना तो ऑलमोस्ट ये भूज गया है. और उसके बाद पापड़ को मसाला, जो आलू वाला जो मसाला दे के जो मैं रेडी कर रही हूँ उधर वाला में, तो उसमें भी मैं इसको ऐड कर दे रही हूँ. ऐसे खाने में बहुत टेस्ट होता है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. मैं बचपन से ये खा के बड़ी हुई हूँ, क्योंकि लंच में ना मटन और ये सब जो हो गया था, इतना रिच हो गया था, तो सोचे ना कि थोड़ा सा वेज ही बना देते हैं और रात के लिए, इसीलिए. और ये सब्ज़ी मेरी दादी बचपन में बनाती थी, तो मुझे बहुत ये वाला अच्छा लगता है आलू पापड़ का सब्ज़ी. तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा. और सारा कुछ मिला के जितना इंग्रेडिएंट्स था, पापड़, आलू, सब कुछ एक साथ मिला दी अच्छे से. तो मैंने घर में ये बनाए हुए है गरम मसाला, जो मैं थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ सब्जी में. और ये जो गोवर्धन घी है, इसे भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ. घी से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ता है गरम मसाला और घी से. तो गाइस, ये दिखने में भी बहुत अच्छा हुआ, टेस्ट भी हुआ है, हो गया है सब्जी. और गैस बंद कर दी है. और अभी यहाँ पर मैं 3 टैबलेट ली हूँ शुगर फ्री का. मैं शुगर यूज़ नहीं करती हूँ, शुगर फ्री यूज़ करती हूँ. तो उसके बाद ये शुगर फ्री पानी में ऑब्जर्व जल्दी हो जाता है. और बैगन में इसको हम डाल दिए, मैरिनेट कर लिए नमक और इसके. तो बैगन का भाजी बनाने के लिए नमक और शुगर फ्री दे दिए. और तेल गरम हो चुका है गैस में, तो इधर कर लिए कढ़ाई को. और एक एक करके बैगन में यहाँ पे कढ़ाई में डाल दूँगी. ऑलमोस्ट मेरा बैगन का भाजी तैयार हो चुका है और मैं इसे उठा ले रही हूँ अभी. अभी मेरा कंप्लीट डिनर अभी हो चुका है और टेबल में लगा दी हूँ. और लंच में जो मैं की थी, ये है पालक का साग जो बचा हुआ था, इसे भी डिनर में ऐड कर दी हूँ. और लंच में था जो बनाए थे मटन, वो भी है. और अभी गरम गरम राइस बनाए, देन बैगन का भाजी और रोटी. रोटी भी बना चुकी थी पहले ही शाम को. तो जिसको रोटी खाना है खाएगा, जिसको राइस खाना खाए. और यह है पापड़ का सब्जी. तो यही है आज का डिनर. हे गाइस, कैसे हैं आप सब? तो मैं ना, मेरा नाइट का जो रूटीन है, मतलब डिनर जो है, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली हूँ. और सिंपल से बनाया, क्योंकि लंच में ना बहुत हेवी हो गया था, क्योंकि मटन ऐसे ही हेवी होता है. और जो जो बच गया था, पालक का साग, मटन जो बच गया था, उसके साथ ही अभी रात में वही ऐड कर देंगे, क्योंकि कल है सैटरडे. तो
तो हम तो बोले ही थे कि सैटरडे ट्विस्टे हम लोग टोटली वेज ही खाते हैं, तो बजरंग बली जी के बहुत भक्त है और पूजा भी रहते हैं, तो इसीलिए। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। सो टेक केयर टू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू टू ऑल।